नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं राव मोटर्स पर अपनी ट्रैक्टर को लेकर सर्विसिंग कराने के लिए। आप देख सकते हैं अभी जो इंजन ऑयल निकल रहा है हमारी ट्रैक्टर से, अभी ये देख सकते हैं आप, अभी इंजन ऑयल डालेगा और क्या क्या कार होंगे इसकी सारी लिस्ट अभी भैया बना रहे हैं, तो इसको भी दिखाते हैं हम आपको। ये देख सकते हैं भैया लिख रहे हैं इसके चेचेस नंबर वगैरह, मॉडल नंबर जो भी रहता है। ये देखिए इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन नोट की जा रही है ट्रैक्टर के बारे में, कितने घंटे चली है, क्या क्या चेकअप करवाना है। ये देख सकते हैं आप, एक और ट्रैक्टर आई हुई है सर्विसिंग कराने के लिए, इसके ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर वगैरह भी, इसका भी ऑयल निकल गया है भैया, इसकी भी सर्विसिंग चल रही है। ये देख सकते हैं इधर डीजल फिल्टर साफ किया जा रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से डीजल निकाला जा रहा है, किसान परेशान है, डीजल टैंक में कचरा आ चुके हैं। ये बिल्कुल नया ही मॉडल है, अभी लगभग 7-8 महीने पुराना ही है। ये हमारा ट्रैक्टर है, आप देख सकते हैं किसान भाइयों, देख सकते हैं पूरा ऑयल निकल चुका है और इसका एयर क्लीनर वगैरह अभी सब खुलेगा जैसे वो ट्रैक्टर का खुल रहा है। हम इसका घंटे दिखाते हैं कि अभी कितने घंटे चली है हमारी ट्रैक्टर और कितने घंटे में हम सर्विसिंग करा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 1275.2 घंटे चली हुई है हमारी ट्रैक्टर, अभी क्लियर दिख रहा है इसमें, पर हमने इसकी लास्ट सर्विसिंग कराए थे 980 में, तो लगभग 300 ही घंटे हुए हैं, 300 घंटे में ही सर्विसिंग कराना चाहिए गाड़ी की। और आप इसकी ऑयल की स्थिति भी देख सकते हैं, पूरा काला हो चुका है और ट्रैक्टर 300 घंटे ही चलना चाहिए, और इसका अभी ये एयर क्लीनर का भी ऑयल वगैरह सब चेंज होगा अभी, और जो जो चेकअप के दौरान पाया जाएगा तो फिर उसको भी चेक करेंगे। 300 घंटे में सर्विसिंग होना ही चाहिए, और इसमें ग्रेसिंग वगैरह हो रही क्या नहीं, कर रहे क्या नहीं, इसका भी सारी डिटेल हम आपको देंगे अभी। किसान भाइयों देख सकते हैं अभी हमारी ट्रैक्टर की सर्विसिंग का नंबर आने वाला है, और ये देख सकते हैं ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर भी निकाल दिए हैं और साफ़ कर दिए हैं, तो हम उठा के बता देते हैं। ये देखिए अभी ये सारे चेंज होंगे, देख सकते हैं और ट्रैक्टर आ गई हैं सर्विसिंग के लिए। अभी ये दो ट्रैक्टर, ये देखिए तीनों लाइन से महिंद्रा के ट्रैक्टर खड़े हैं, 585 मॉडल। अभी ये ट्रैक्टर की सर्विसिंग लगभग कम्प्लीट हो गई है, फिर ये वाली ट्रैक्टर की सर्विसिंग होगी। ये देख सकते हैं आप, ये अभी इसका ऑयल ही निकल रहा है डीजल, और इसकी सर्विसिंग होगी। और भैया देखिए हमारे अभी ऑयल फिल्टर वगैरह लेकर आ गए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों हमारी ट्रैक्टर के डीजल फिल्टर आ गए हैं अभी। भैया दोनों अलग अलग कलर के हैं, पहले एक से कलर के रहते थे क्या, ऐसे ही रहते हैं? ठीक है, ये देख सकते हैं भैया अभी लगा रहे हैं डीजल फिल्टर। देखिए दोस्तों इसकी रबड़ भी चेंज हो गई है, क्योंकि डीजल लीकेज हो रहा था एक दिन, हमने भैया को भी बता दिया है अभी, तो नई रबड़ लगी है इसमें अभी। देखिए इस तरीके से कर दिया जाता है, अभी दोनों फिल्टर कर देंगे भैया अभी। देखिए दोस्तों अभी दोनों ऑयल फिल्टर को टाइट कर दे रहे हैं भैया, फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों अभी ऑयल फिल्टर लग गए हैं, तो अभी इसको पंप के माध्यम से वो डीजल यहाँ फिल्टर में लेकर आ रहे हैं भैया अभी। कौन सा फिल्टर है ये वाला? ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर ये कौन सा, इंजन का ऑयल फिल्टर होता है इससे? ये देखिए भैया अभी ऑयल फिल्टर चेंज कर रहे हैं, इसका नया लगा रहे हैं बिल्कुल अभी, ये डब्बे से निकाल कर। ये देख सकते हैं भैया अभी इसका एयर क्लीनर है ना भैया जी, ऊपर ड्राई टाइप लगता है और नीचे ऑयल लगता है ना भैया? ये देख सकते हैं अभी
एयर क्लीनर लगा रहे हैं भैया अभी। देखिए इसमें ड्राई एयर क्लीनर में जाली लगा दी गई है अभी। आगे वीडियो में जो भी इसकी सर्विसिंग कॉस्ट आएगी इसके बारे में भी हम सारी जानकारी देंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरीके से सर्विसिंग कितनी अच्छी हुई है, किस तरीके से उसके नंबर भी बताएंगे आपको कि कितने अच्छे नंबर दिए हमने इसके सर्विसिंग में। ये देखिए भैया इसमें अभी ऑयल भर रहे हैं भैया, ये कौन सा ग्रेड का ऑयल रहता है या क्या रहता है, इसका अलग ऑयल आता है क्या? ये देखिए अभी ऐसे नीचे एयर क्लीनर में ऑयल डाल रहे हैं भैया अभी। ये देखिए दोस्तों ये डाला है एयर क्लीनर में ऑयल। देख सकते हैं दोस्तों अभी इसे आधा लीटर ऑयल इसके एयर क्लीनर में डाल दिया गया है, फिटिंग कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों अभी ये पूरा ऑयल डाल गया है। ये 7.5 लीटर ऑयल लग चुका है इसमें। और अभी देखिए भैया इसमें हेड मिस्त्री साहब इसमें कूलेंट डाल रहे हैं अभी और एक्स्ट्रा ऑयल भी डाल रहा है। हाँ यार भैया बता रहा एक उसी के बस के जा रहा है। 8.5 लीटर इंजन ऑयल हो गया है और कूलेंट उतना बचा है। अब पूरा डल चुका है अभी इसकी सर्विसिंग कंप्लीट हो जाएगी। हम घर जा रहे हैं फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि कितना खर्च लगा है। अभी डीजल ऑयल डल गया है, ऑयल फिल्टर सब चीज़ साफ हो गया है, इसकी वॉशिंग होगी क्या नहीं इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी सर्विसिंग कॉस्ट भी दिखाएंगे हम इसको लास्ट में। किसान भाइयों जैसा कि आपने देखा है कि ट्रैक्टर की सर्विसिंग हो गई है कल, हम इसका वीडियो नहीं बना पाए थे लेकिन आज हम इसके बारे में जानकारी देंगे आपको कि ट्रैक्टर में क्या क्या सर्विसिंग हुई है और कितने का बिल बना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपने देखा था कि हमने ऑयल पूरा गिर गया था, फिर उसके बाद ये ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है ये काला वाला, इसके बाद इधर डीजल फिल्टर चेंज हुए हैं दोनों, ये दोनों डीजल फिल्टर चेंज हुए हैं, उसके बाद जिसके ऑयल वगैरह देख लिया गया है हाइड्रोलिका की बरोबर है क्या नहीं, फिर कूलेंट इसमें थोड़ा कम था तो इसमें नया कूलेंट डाला गया है और इसमें ग्रीसिंग वगैरह की गई है। आप देख सकते हैं ग्रीस वगैरह दिख रही है, सारे पॉइंट में ग्रीस वगैरह की गई है अच्छे से, तो सर्विसिंग तो काफ़ी अच्छी हो गई है। और ट्रैक्टर थोड़ा हैंडल में वाइब्रेशन आ रहा था थोड़ा लो आरपीएम के कारण, तो वो भी हल्का सा भी सेट कर दिया गया है तो वाइब्रेशन ख़त्म हो गया है। देख सकते हैं आप ये इधर, और इसके बारे में बता दें एयर क्लीनर भी साफ़ हुआ है, ये यहाँ ऑयल ड्राई टाइप है ऊपर और नीचे ऑयल बाद वाला है ड्राई क्लीनर, उसका भी ऑयल चेंज हुआ है और उसको जो जाली वगैरह रहती है वो चेंज हुई है, सारी भी अच्छी हो गई है। लेकिन एजेंसी के बारे में बता दें कि वहाँ पर पानी की कमी होने के कारण वॉशिंग नहीं हो पाई है ट्रैक्टर की, ज्यों की त्यों दिख रही है। देख सकते हैं शाम को हल्का सा कल्टीवेटर चला के देखे थे तो मिट्टी भर गई है, वॉशिंग नहीं हो पाई है। हर बार का यही दिक्कत रहती है कि वॉशिंग नहीं हो पाती गाड़ी की। अब हम इसके मेन मुद्दे पर आते हैं कि इसका खर्च कितना हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। हमारे हाथ में बिल है, बिल में आपको पूरी जानकारी देंगे कि कितना खर्च आया है हमारी सर्विसिंग में ट्रैक्टर की। ये देख सकते हैं आप बिल, ये राव मोटर सिमनी का बिल है, हमारी ट्रैक्टर की सर्विसिंग हुई है कल, इसका वीडियो में पूरी डिटेल देख सकते हैं आप कितना कितना खर्च हुआ है। ये देख सकते हैं आप ये 16/5/2023 को ही है। ये देख सकते हैं सबसे पहले ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है,
इसके कोड 250 रुपये का। फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ है 200 रुपये का। एयर फिल्टर चेंज हुआ 165 रुपये का। 8.5 लीटर ऑयल हुआ है 2898 रुपये का। 2900 का ही मानो 1 लीटर कूलेंट मिला है 275 रुपये का। और इसमें सर्विसिंग लेबर चार्ज तो लेबर ने नहीं लिया है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्ज तो इसमें क्योंकि पीछे के लाइट में प्रॉब्लम आ गई थी, ट्रैक्टर में लाइट नहीं जल रही थी, तो इसका सुधराए हैं तो उसको लगभग 250 रुपये दिए हैं। और ये पूरा देखा देते हैं आपको, ये मिस्त्री का हस्ताक्षर भी हैं जो हमारी हर बार सर्विसिंग करते हैं। तो टोटल खर्च हुआ है 3788 रुपये, मतलब 3800 ही रुपये, 250 रुपये वो खर्च हो गए, तो मतलब लगभग 4100 रुपये का खर्च आ गया है ट्रैक्टर में। अभी ये 1275 घंटे में सर्विसिंग हुई है गाड़ी की 16/5/2023 को। 300 घंटे में से 2-3 घंटे 4 घंटे पहले ही सर्विसिंग हो गई है। आप भी अपने ट्रैक्टर का ख्याल रखें और लगभग 250 से 300 घंटे में सर्विसिंग करा लेना चाहिए, जिससे ट्रैक्टर का माइलेज 0.5 से 1 लीटर बढ़ जाता है। यदि ट्रैक्टर का आप टेस्ट करेंगे, हमने क्योंकि टेस्ट कर देखा है, 0.5 लीटर डीजल का फर्क पड़ता है प्रति घंटे में, ये लिख कर रख लीजिए यदि सर्विसिंग टाइम पर होती है तो, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतने सालों का है, लगभग 14-15 साल हो गए हमारे यहाँ ट्रैक्टर है। आप भी अपने ट्रैक्टर का ख्याल रखिए बढ़िया तरीके से और सर्विस सेंटर में ही कराइए। 4000 रुपये का खर्च आया है तो 4000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, इतने बड़े इंजन के लिए 8 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये का ट्रैक्टर है। 4000 रुपये की सर्विसिंग, एक टैंक डीजल से भी कम की कॉस्ट में सर्विसिंग हो रही है गाड़ी की। और किसान को क्या चाहिए, उन्होंने इसके बैटरी वगैरह में पानी भर दिया था एक दिन पहले ही। इसी तरह की शानदार इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम इसके बकराने के वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए और माइलेज टेस्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।